हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के बारे में। जी हाँ, नॉर्मल एसी जिसे कहते हैं, क्योंकि वैसे तो इन्वर्टर एसी ज़्यादा फेमस है आजकल, लेकिन फिर भी नॉन इन्वर्टर जो एसीज होते हैं उनकी कूलिंग बहुत ही बढ़िया होती है। और कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें आप इन्वर्टर एसी अगर लगाते हैं तो वो फिर आपको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। वहाँ पर फिर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही चाहिए होता है। तो वो क्या होती हैं ऐसी कंडीशंस और नॉन इन्वर्टर एसी लगवाने के क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पता लगेंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में ही बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो है दोस्तों पावर कंजम्पशन। दोस्तों, अगर कोई बंदा जिसको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिर्फ कूलिंग से मतलब है, तो वो एक नॉन इन्वर्टर एसी ले, क्योंकि दोस्तों नॉन इन्वर्टर जो एसीज होते हैं वो मैक्सिमम 3-स्टार रेटिंग तक ही अवेलेबल हैं। तो ऐसे में पावर सेविंग आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कूलिंग के मामले में वो अपना 100% देते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई हमें तो राउंड ठंडा चाहिए, बिजली चाहे जितनी मर्जी भुगती रहे, तो ऐसे में फिर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए, वो एक बेस्ट चॉइस होगा आपके लिए। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें तो अगर आपको कोई स्पेशल फीचर नहीं चाहिए एसी में, सिर्फ एक एसी चाहिए जो आपको ठंडी हवा दे, स्पेशल फीचर मतलब कि वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, वॉइस कमांड नहीं चाहिए, इस तरह के कुछ स्पेशल फीचर जो आपको आजकल इन्वर्टर एसी में मिल रहे हैं, तो अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली एक नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए, क्योंकि एक नॉन इन्वर्टर एसी से बेटर कूलिंग इन्वर्टर एसी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और वो है आपका रूम अगर एयर सील्ड नहीं है तो फिर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर सील्ड नहीं है का मतलब क्या होता है? सील्ड का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इन्वर्टर एसी लगवाना है तो बिल्कुल ही सील कमरा चाहिए कि हवा मतलब निकले ही ना, सांस भी लो तो अंदर ही रह जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्वर्टर एसी भी लगा सकते हो, मतलब जो कमरा एयर सील्ड नहीं है उसमें भी लगा सकते हो, बट फर्क ये पड़ता है कि उस कमरे में फिर क्या होता है कि जो कूलिंग का लॉस है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्वर्टर एसी पावर सेविंग नहीं कर पाता। तो ऐसे में फिर आपको उतना ही बिल आता है जितना नॉन इन्वर्टर एसी का आता है। तो फिर अगर आपके रूम की कंडीशन ही कुछ ऐसी है तो फिर आप इनिशियली कॉस्ट क्यों ज़्यादा पे करो, यानी कि महंगा एसी क्यों लो, आपको तो ठंडक चाहिए ना, तो ठंडक तो फिर नॉन इन्वर्टर एसी भी कर देगा। अब एयर सील्ड से मतलब क्या होता है कि अगर आपके कमरे में कोई खिड़कियाँ हैं या फिर कोई अलमारी है ओपन बुक शेल्फ टाइप है, या फिर वैनिटी है जिसमें दरवाज़ा नहीं है, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रहता है, या छोटे बच्चे हैं जो बार बार दरवाज़ा कमरे का ओपन रखते हैं, या फिर दरवाज़ा ओपन ही रखते हो आप, सिर्फ पर्दा करके रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और वो है टॉप फ्लोर पर रहने वाले या फिर टॉप फ्लोर पर जिनका ऑफिस है। दोस्तों, अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं या फिर आपका ऑफिस है तो आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अच्छा, अगर आपका रिहायश है तो दिन के समय आपको ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन्वर्टर एसी के साथ, लेकिन रात के समय वो आपको बेटर परफॉर्म करता है और पावर सेविंग भी करता है। लेकिन अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है, सपोज़ ऑफिस है और दिन में आप ज़्यादा एसी चलाते हैं, तब आप सिर्फ़ और सिर्फ नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए, क्योंकि एक नॉन इन्वर्टर एसी ही इतनी गर्मी में ठंडक कर सकता है और जल्दी ठंडक कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी 100% कैपेसिटी से ही कूलिंग करता है और वो जल्दी कमरे को ठंडा कर देता है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। तो अगर आप ऐसे किसी टॉप फ्लोर या कंडीशन पे हैं तो फिर आप ज़रूर नॉन इन्वर्टर एसी ही लीजिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और वो है दोस्तों कि अगर आपकी कोई शॉप है, ये भी मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि हमारी शॉप है हम कौन सा एसी लगवाएं। तो अगर आपकी कोई शॉप है उसमें मतलब काउंटर है और आप लोगों से डील करते हो, सपोज़ कोई परचून की दुकान है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो उसमें फिर वॉक इन ज़्यादा होती है,
तो ऐसे में फिर आप इन्वर्टर एसी ना लगवाएं, क्योंकि इन्वर्टर एसी लगाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर पावर सेविंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो वहां पर आप लगाइए नॉन इन्वर्टर एसी। अब बात करते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, और वो है कि अगर आपके इलाके में ज्यादा पावर कट्स लगते हैं, बिजली बार बार चली जाती है, तो फिर आपको एक इन्वर्टर एसी ना लेकर के नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि ये बिजली आना जाना इसमें फिर क्या होता है, इन्वर्टर एसी में जो पीसीबी होती है वो थ्रेट पे आ जाती है, क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर फिर दो पीसीबी होती हैं और आउटडोर की पीसीबी जो है वो थ्रेट पे आ जाती है, वो कई बार खराब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका मोटा खर्चा होता है। वैसे तो 5-5 साल की वारंटी कंपनीज ऑफर करती हैं, बट 5 साल बाद क्या करोगे, फिर वो 10,000-15,000 लगाने पड़ेंगे। ऐसे में फिर अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही पीसीबी होती है और वो भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की। बेनिफिट दोस्तों सबसे बड़ा तो यही है कि इनिशियल कॉस्ट आपको सस्ती मिलती है एक नॉन इन्वर्टर एसी की। अगर आप एक इन्वर्टर एसी देख रहे हैं 1.5 टन का और एक 1.5 टन का देख रहे हैं नॉन इन्वर्टर, तो नॉन इन्वर्टर एसी आपको सस्ता मिलता है। आफ्टर सेल सर्विस नॉन इन्वर्टर एसी की सस्ती पड़ती है, लो मेंटेनेंस रहती है। उसका कारण ये है कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनके जो अंदर मतलब सिस्टम लगा हुआ है वो कम होता है, एक थर्मोस्टेट लगा होता है, एक पीसीबी होती है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं होता, कैपेसिटर वगैरह होते हैं। लेकिन जो इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, दो दो पीसीबी होती हैं, आउटडोर की अलग पीसीबी होती है, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं ख़राब होने के, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा लगी हैं तो चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है इन्वर्टर एसी के साथ, लेकिन अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो वो लो मेंटेनेंस रहता है। उसके बाद बात करें दोस्तों एक और बेनिफिट की, वो है नॉन इन्वर्टर एसी इंस्टेंट कूलिंग करता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी 100% कैपेसिटी पे ही चलता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप इसकी टनेज को कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, वो अपनी मतलब जो क्षमता है उसकी कूलिंग करने की वो उसी क्षमता से कूलिंग करता है। हाँ, आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कूलिंग देने की जो क्षमता है उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, और यही चीज़ उसकी खासियत है कि आप जो भी मैंने अभी कंडीशंस बताई हैं, अगर इस कंडीशंस में आपका रूम है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट है या एयर सील्ड नहीं है, तो वहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी कामयाब रहते हैं। और दूसरी बात, कॉन्स्टेंट कूलिंग करते हैं वो। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि उनकी जितनी क्षमता है वो कम नहीं होती, उसी क्षमता से कूलिंग करते रहते हैं। इन्वर्टर एसी क्या होता है कि पहले कम कूलिंग करता है, फिर धीरे धीरे अपनी कूलिंग को बढ़ाता है, लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं जब आप स्टार्ट करेंगे तब भी वो अपनी 100% कूलिंग दे रहे होते हैं, और 1 घंटे बाद भी या 2 घंटे बाद भी या इवन कि 8 घंटे बाद भी वो उसी क्षमता से कूलिंग करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है नॉन इन्वर्टर एसीज का। तो अगर आप एक बढ़िया नॉन इन्वर्टर एसी ढूंढ रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।